हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। अगर आप अपने आधार कार्ड की ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को पता करना चाहते हैं कि आपने आधार कार्ड को कहाँ कहाँ पर यूज किया है, ये सारी डिटेल्स को पता करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ कि आप सिर्फ एक मिनट में अपने मोबाइल फोन से अपने आधार कार्ड की ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को कैसे पता कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही साथ इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ही प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं मालिक की स्क्रीन पर। आपने आधार कार्ड को कहां कहां पर यूज किया, ये सारी डिटेल्स को पता करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। तो यहां पर मैं मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ और गूगल सर्च बार में टाइप करेंगे माई आधार। टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपके सामने पहले नंबर की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं माई आधार .uidai.gov.in। इस लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आप माई आधार के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। और इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आपने अपने आधार कार्ड को कहाँ कहाँ पर यूज किया है, इस डिटेल्स को पता करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन जाता है लॉग इन, इस पर क्लिक करेंगे। लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का प्रीव्यू ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल जाता है एंटर आधार। आपका जो भी आधार नंबर है उसको यहाँ पर सही तरीके से टाइप कर लेंगे। आधार नंबर को टाइप करने के बाद नीचे आपको कैप्चा कोड देखने के लिए मिल जाता है। आपको जिस तरीके से कैप्चा कोड दिख रहा है उसी तरीके से आपको नीचे कैप्चा कोड को टाइप कर लेना है। और अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो साइड में आपको रिफ्रेश का बटन देखने के लिए मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप कैप्चा कोड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कैप्चा कोड को टाइप कर लेता हूँ। कैप्चा कोड को टाइप करने के बाद सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपने जिसका भी आधार नंबर टाइप किया है उसके आधार कार्ड में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर टाइप कर लेंगे। ओटीपी को टाइप करने के बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करेंगे। वेट करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आप इस वेबसाइट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर अपने आधार कार्ड की हिस्ट्री को पता करने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, इस पर क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का प्रीव्यू ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज सेलेक्ट ऑथेंटिकेशन डेट रेंज टू फेच ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। यहाँ पर अपने आधार कार्ड की ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को पता करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन जाता है सिलेक्ट मॉडलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने काफी सारे ऑप्शन निकल कर आ जाएंगे। अगर आप अपने आधार कार्ड की बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को पता करना चाहते हो तो यहाँ पर बायोमेट्रिक को सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप बायोमेट्रिक एंड ओटीपी को पता करना चाहते हो तो यहाँ पर बायोमेट्रिक एंड ओटीपी को सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप डेमोग्राफिक की अपनी हिस्ट्री को पता करना चाहते हो तो डेमोग्राफिक को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सारी ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को पता करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ऑल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मॉडलिटी को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं एंटर स्टार्ट डेट। आप जिस डेट से लेकर अपनी ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को पता करना चाहते हैं और जिस डेट तक पता करना चाहते हो उस डेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कैलेंडर ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर अपनी डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। डेट को सिलेक्ट करने के बाद सेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डेट को सिलेक्ट करने के बाद आप जिस डेट तक की ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को पता करना चाहते हैं उस डेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेट के ऑप्शन पर फिर से क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन जाता है फेच ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, इस पर क्लिक करेंगे। फेच ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करेंगे। वेट करने के बाद आप जिस भी आधार कार्ड की ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को पता करना चाहते थे उसकी सारी हिस्ट्री निकल कर आ जाएगी। हिस्ट्री को पता करने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं योर सिलेक्शन हैज रिजल्टेड इन 26 ऑथेंटिकेशन, यानी कि आपने जिस भी डेट को सिलेक्ट किया उस डेट के बीच में आपके 26 ऑथेंटिकेशन हुए हैं। नीचे आप देख सकते हैं यानी कि आपका 50% ओटीपी के द्वारा ऑथेंटिकेशन हुआ है और यहाँ पर 20% बायोमेट्रिक के द्वारा ऑथेंटिकेशन हुआ है और नीचे डेमोग्राफिक के द्वारा आपका 30% ऑथेंटिकेशन हुआ है। इसके नीचे आपके आधार कार्ड की ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री डिटेल्स में देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि आपने जहाँ जहाँ पर अपने आधार कार्ड को लगाया उसके सारा डाटा आपके सामने निकल कर आ चुका है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक सिम कार्ड को लिया था, उसकी ऑथेंटिकेशन हुआ था, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके नीचे एक प्रोविडेंट फंड के बारे में मैंने अपने आधार कार्ड को लगाया था, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। जिस डेट को लगाया था और जिस टाइम में लगाया था वो डेट ऑन टाइम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। इसी तरीके से आप सारी हिस्ट्री को पता कर सकते हैं। और अगर आप अपने आधार कार्ड की सारी ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को पता करना चाहते हैं तो नीचे आपको पेज और देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर आप अपने आधार कार्ड की नेक्स्ट पेज की ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को पता करना चाहते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर क्लिक करने के बाद जो भी आपकी ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री है वो यहाँ से आप सारी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर बैठे मोबाइल से अपने आधार कार्ड को किस किस जगह यूज किया
वो सारी ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को पता कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।